नमस्कार, जय माँ सर्वेश्वरी। बंधुओं, आज आपको बहुपयोगी पौधे भूमि आंवला के बारे में हम आपको बताएंगे। यह बहुत ही लाभकारी गुणकारी पौधा है। लीवर के लिए यह टॉनिक है। इसको और भी कई नामों से जानते हैं। इसको बनौरा भी बोलते हैं, हजारदानी भी बोलते हैं और इसको भूमि आंवला भी कहते हैं। यह बरसात में बहुतायत से उगने वाला पौधा है। यह लीवर में, पेशाब की बीमारी में, मुंह के छाले में, गठिया में, खांसी सर्दी जुकाम में, पेशाब से जुड़ी बीमारी में, डायबिटीज में, एसिडिटी में, पीलिया में, जलोदर में और स्टोन में भी, किडनी स्टोन में भी यह काम आता है। यह लीवर के सूजन को खत्म करता है। दस्त में भी यह कारगर है। इसके पत्ते के रस को एक या दो बार दो दो चम्मच लेने से आराम मिलता है। पीलिया में इसके पंचांग के चूर्ण का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से आराम मिलता है। किडनी के रोग में भी यह लाभकारी है। किडनी स्टोन को भी ये खत्म करता है। लीवर में इसके पंचांग का इस्तेमाल करें। इसका साग बनाकर भी खाया जाता है। मलेरिया में भी यह लाभदायक है। इसका सेवन विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। चर्म रोग में भी यह लाभदायक है। यह जीवनदायी पौधा है। पीलिया में इसके पंचांग के चूर्ण का 5 ग्राम सुबह शाम प्रयोग करें। जलोदर में भी इसके पंचांग का चूर्ण 5 ग्राम चूर्ण 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो छानकर इसे सुबह शाम पिएं। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो इसमें 1 ग्राम सोंठ का पाउडर भी मिलाएं। खांसी में इसके काढ़े का उपयोग करें। तुलसी का पत्ता मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पिए। कैसा भी पुराना खांसी होगा, ठीक होगा। किडनी रोग में लाभकारी है। यह शरीर से पानी और सोडियम को बाहर निकालता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी यह लाभकारी है। मुंह के छाले अल्सर में भी इसके पत्तियों को चबाकर इसको ठीक किया जाता है। इसके रस को चूस के बाकी अवयव को बाहर निकाल दें। मसूड़े के सूजन को भी यह ठीक करता है। डायबिटीज में इसके पत्ते को चबाने से शुगर कम होता है। यह मेटाबॉलिज्म को कम करता है। शुगर में इसके पत्ते के साथ काली मिर्च मिलाकर चूर्ण बना और इसका सेवन करें। पेट जलन में इसके पत्ते को चबाएं, लाभ मिलता है। इसका सेवन करने से पित्त शांत होता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है। दस्त में इसको उबालकर जब 1/4 पानी रह जाए तो इसमें मेथी मिलाकर 5 ग्राम इसको और उबालें और इसको छान के फिर इसका उपयोग सुबह शाम करें। गठिया रोग में भी इसको पीसकर काला नमक मिलाकर दर्द वाली जगह पर लेप करें, आराम मिलता है। यह जीवनदायी पौधा है। स्तन के गांठ में इसके पत्ते का लेप लगाएं, उससे भी ठीक होता है। जलोदर में इसके 5 ग्राम चूर्ण को 400 ग्राम पानी में पकाकर जब 1/4 रह जाए तो छानकर सुबह शाम पिएं, इससे लाभ मिलता है। लीवर, पेशाब की जलन, मुंह के छाले, गठिया, आर्थराइटिस, खांसी जुकाम, अस्थमा, पेशाब से जुड़ी बीमारी, किडनी में यह बहुत लाभदायक है। इसे हम लीवर टॉनिक के रूप में जानते हैं। यह लीवर के लिए बहुत ही गुणकारी है। पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए इसके पत्ते को चबाएं या इसका काढ़ा बनाकर इसके रस का सेवन करें। इसके काढ़े का सेवन करें। मुंह में छाला है तो इसके पत्ते को चबाएं, उसके रस से मुंह के छाले और मसूड़े के सूजन में आराम मिलता है। धन्यवाद।